नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले की तहसील चोरई में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन समूह की एक मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है व उसे शक्ति प्रदान करना था, क्योंकि रोज आए दिन पत्रकारों पर हमले, अभद्र व्यवहार, ब्लैकमेल करना, फर्जी आरोप लगाना, हीन भावना को देखते हुए इन सारी समस्याओं को लेकर मीटिंग में चर्चाएं भी की गई। इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए इस विषय में भी चर्चा हुई। संभागीय अध्यक्ष दिनेश प्रीत संगठन का गठन किया गया था। चौरई एवं चांद तहसील इकाई के गठन के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। जो चौरई और चांद के समस्त पत्रकार साथी, उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम उनके आभारी हैं। और उन्होंने आज जो इकाई गठित हुई है उसमें पत्रकार साथियों के हितों की रक्षा के लिए तहसील इकाई का गठन किया गया, जिसमें दीपक साहू जी को तहसील अध्यक्ष और चांद से बब्बर सिंह धाकड़ को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तथा वो सारी बॉडियाँ कमेटियाँ उन लोग नियुक्त करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून वर्तमान सरकार पारित करेगी, जिसके लिए पीसी शर्मा जी जनसंपर्क मंत्री ने पत्रकार भवन में घोषित भी किया है। अभी चोरई में थाने के सामने ये रेस्ट हाउस में, यहाँ पर एक मीटिंग हुई पत्रकार संघ समूह की। पत्रकार जो संघ समूह है उसकी एक मीटिंग होने का मुख्य कारण यह था कि पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों को धमकी और पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार, जो कि पत्रकारों के साथ ऐसा होना चाहिए। पत्रकार जो है समाज सेवा करते हैं, पत्रकार समाज सेवी होते हैं, तो अगर हम एक संगठन बनाए पत्रकार लोग, संगठन बनाने की ताकत को मजबूत किया था। और यहाँ पे सभी लोगों ने एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव सारे नियुक्त हुए थे। तो इस संबंध में यहाँ पर एक पत्रकार संघ की बहुत जोरदार मीटिंग हुई। पत्रकार संघ का उद्देश्य ही कि संगठन को मजबूत करना और पत्रकारों को न्याय की दृष्टि से उनको रुझान दिलाना और उनके प्रति सम्मान की दृष्टि से देखा जाना। मैं फास्ट समाचार छिंदवाड़ा के लिए ललित रघुवंशी।